हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज की रेसिपी परत वाली बालू शाही की, इसे आज हम कुछ डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। अगर आप इस तरह से बालू शाही बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और रसीली बनेंगी। ये देखिए हमारी बालू शाही की इतनी परफेक्ट शेप आई है, तो चलिए बालू शाही बनाना शुरू करते हैं। बालू शाही बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना है। डो बनाने के लिए मैंने ली है 200 ग्राम मैदा। मैदे में 1 चम्मच अजवाइन डाल लेंगे। मैं इसमें एक छोटी कटोरी मलाई ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें घी या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं। इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। हमें इसमें घी या ऑयल भी इतना ही डालना जितनी हमें इसमें मलाई डाली है। ये मलाई मैंने लगभग 4 चम्मच के आसपास ली है। अब हम इसमें दूध डालकर इसका डो तैयार करेंगे। ये मैंने 1 कप दूध लिया है। दूध डालकर हमें इसका डो बनाना है। आधे दूध को हम इसमें डाल लेंगे और इसका डो बनाएंगे। हम इस डो को दूध और मलाई से इसलिए गूंथ रहे हैं क्योंकि बालू शाही में सॉफ्टनेस भी रहेगी और टेस्टी भी बनेगी। और ये मैंने इसमें बचा हुआ 1/2 कप भी दूध का डाल लिया है। अब हमें इसका डो तैयार करना है। ये डो तैयार करने में 1 कप दूध का ही इस्तेमाल हुआ है। डो को हमें अपने हाथ के पिछले भाग से अच्छी तरह से नीड कर लेना है। और ये देखिए डो तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी भी लगा लेंगे और इसे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रख देंगे। आप चाहें तो घी की जगह पर ऑयल भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, डो तो हमने तैयार कर लिया है, अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 बड़ा कप चीनी का लिया है। इसे हम कढ़ाई में डाल लेंगे। पानी में हम इसमें इतना ही लेंगे जितनी कि हमने चीनी ली है। और ये 1 कप पानी ले लिया है मैंने। इसमें चीनी की क्वांटिटी 500 ग्राम है। अब हम इसे बॉईल करना है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और चीनी को हम मिक्स कर लेंगे। और ये चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसमें 1 पिंच फूड कलर भी डाल लेंगे। ये मैंने रेड फूड कलर लिया है। फूड कलर ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। बस इसे लुक अच्छा आता है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। फूड कलर को इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल लेंगे। इलायची पाउडर को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसे बॉईल होते हुए लगभग 10 मिनट हो गई है। ये ठीक हो गई है। हमें इसकी एक तार वाली चाशनी बनानी है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए हम इसे इस तरह से चेक करेंगे। और ये डो को रखे हुए 10 मिनट हो गई है। हम इसे थोड़ी सी देर और नीड कर लेंगे जिसे कि अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। हमें इसे रोटी की डो जैसा तैयार करना है, पूरी की डो जैसा तैयार नहीं करना। ये देखिए हमें इस तरह का डो तैयार करना है। लग रहा है ना बिल्कुल स्मूथ। अब हम इस डो में से रोटी की लोई जितना डो लेंगे और इसकी एक लोई बना लेंगे। ये देखिए हमें इस तरह से इसकी लोई बनानी है। ये देखिए हमने लोई बना ली है। लोई को हम चकले पर रखकर रोटी बेल लेंगे। चकले पर हमें ऑयल या फिर सूखा आटा रखने की जरूरत नहीं है। ये रोटी बिना ऑयल और बिना सूखे आटे के इजीली बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें बेलन से इसकी लंबी सी रोटी बेल लेनी है। हमें इस रोटी को ज्यादा पतला है फिर ज्यादा मोटा नहीं बेलना, बिल्कुल रोटी की जैसी शेप देनी है। ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह ही है। अब हम नाइफ से रोटी के बीच से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। रोटी के बीच में से हमें पूरा कटिंग कर लेना है और साइडों में से हमें थोड़ा थोड़ा कटिंग करना है। ये देखिए इस तरह से हम पूरी रोटी की कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए एक रोटी में से हमने 2 पार्ट बना लिए हैं। अब हम 1 पार्ट को साइड में रख देंगे। रोटी के 1 पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
ये बिल्कुल इजीली हो जाएगी, चिपकेगी नहीं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथ से ही फोल्ड करना है। हम इसे दोनों साइड से एक दूसरे के अपोजिट इस तरह से घुमा लेंगे। ये देखिए हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और नीचे से घुमाकर इसे बीच में चिपका देना है इस तरह से। फ्रेंड्स इस तरह से हम वाली स्याही को शेप देंगे। ये देखिए ये हमने परत वाली बालू स्याही बनाई है। ऐसी परत वाली बालू स्याही बनने से जूसी भी बनेंगी और सॉफ्ट भी बनेंगी, रसीली भी बनेंगी। इसी तरह से हमें सारे डो को बालू स्याही की शेप देनी है। और ये देखिए हमने सारे डो को बालू स्याही की शेप दे ली है। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। हलवाई भी इसी स्टाइल से बालू स्याही बनाते हैं, बहुत ईजी है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। और ये तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके पीस डाल लेंगे। जितने कढ़ाई में पीस आते हैं हम इसमें डाल लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। एक मिनट बाद हम इन्हें पलट लेंगे। हमें इसे इसी तरह से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन करना है। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हम इन्हें ऑयल में से निकालते ही साथ के साथ ही चाशनी में डाल देना है। ऐसा करने से जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और रसीली भी बनेंगी। और ये हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। हमें इन्हें चाशनी में अच्छी तरह से डुबो लेना है इस तरह से। वैसे तो हम इन्हें 30 मिनट तक ढक कर रख देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको इन्हें जल्दी तैयार करना है तो हम इन्हें हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलिए हम इन्हें थोड़ी देर गैस पर चढ़ा देते हैं। हमें इन्हें 2 से 3 मिनट तक ही गर्म करना है। ढक देंगे थोड़ी देर। और ये देखिए हमें इन्हें 2 से 3 मिनट तक ही बॉईल किया है। बालू स्याही साइज में बड़ी हो गई है, ये अच्छी तरह से फूल गई है, यानी इन्होंने रस ले लिया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। इस तरह से परत वाली बालू स्याही बनकर तैयार है। अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। अगर आपको ठंडा खाना है तो इन्हें ठंडा कीजिए, गर्म खाना है तो साथ के साथ अभी सर्व कीजिए। सारी बालू स्याही को प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से आप बालू स्याही बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। कई बार हम घर पर बालू स्याही बनाते तो सॉफ्ट नहीं बनती, रसीली नहीं बनती और अंदर से भी कच्ची रह जाती है। तो आप इस तरह से परत वाली बालू स्याही बनाए, बिल्कुल सॉफ्ट और रसीली बनती है। और इस तरह से बालू स्याही बनाना बहुत ईजी है, आप जरूर बनाइए। हम इन्हें कटे हुए बादाम से गार्निश कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बस इसे लुक अच्छा आता है, इसलिए मैं इसे कटे हुए बादाम से गार्निश कर रही हूँ। और ये मैं आपको एक पीस तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए लग रही है ना कितनी रसीली और सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।